नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं। हलाला और बहुविवाह, यानी कि मुस्लिम पुरुषों को चार शादी करने की इजाज़त देना और हलाला जैसे जो प्रथाएं हैं वो मुस्लिम महिलाओं के लिए काफ़ी तकलीफ दे होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारी अर्जियां लगी हुई हैं अलग अलग देश के कोर्ट्स में। तो अब ये एक चर्चा का विषय हो गया है कि मुस्लिम पुरुषों को चार शादी की इजाज़त और हवाला जैसे प्रावधान भी क्या रद्द होंगे, जैसा कि तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी बन जाता है दोस्तों। आप पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी लगे तो आप इसको दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं बात कर रही थी तीन तलाक को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब मुस्लिम समाज में प्रचलित निकाह, हलाला और बहुविवाह पर ये जो व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं इन पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि मामले को दशहरे की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। लिहाजा ये हम मान के चल सकते हैं कि इस पे 11 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हो। मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बेंच ने संविधान पीठ में सुनवाई की बात भी कही थी। आज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और सुधांश धुलिया की बेंच ने मामले को प्राथमिक सुनवाई की ओर अक्टूबर में विस्तृत सुनवाई की बात कही है। संविधान पीठ ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग को भी पार्टी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कुल 9 याचिकाएं हैं जो सुनवाई के लिए लगी हुई हैं। इनमें समीना बेगम, नफीसा खान, फरजाना, शबनम जैसी मुस्लिम महिलाओं के अलावा मुस्लिम वुमेन्स रेसिस्टेंस कमेटी की नाजिया इलाही खान की भी याचिका है। इसके अलावा वकील अश्वनी उपाध्याय और हैदराबाद के मोहसिन बिन हुसैन ने भी याचिका दाखिल की है। अच्छा, मोटे तौर पे अगर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये 4 प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं। इन याचिकाओं में 4 तरह की प्रथाओं को अवैध करार देने की मांग जो मैंने बताया है उन के द्वारा की गई है। उनमें एनजीओज भी हैं, उनमें कुछ महिलाएं भी हैं। सबसे पहली जो प्रथा है वो है बहुविवाह। पुरुषों को एक बार में 4 तक शादी करने की इजाज़त है। ये बात सही है कि किन्हीं हालातों में 4 शादियां करने की इजाज़त मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम मुखिया हैं उन्होंने इसको तय किया, लेकिन अब इसका मिसयूज़ हो रहा है जिससे महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी प्रथा है हलाला। तलाकशुदा महिला, मुस्लिम महिला को अपने पति से दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी और पुरुष से शादी करनी पड़ती है, यानी कि उसे फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ते हैं, फिर नए पति से तलाक लेने के बाद पहले पति से शादी हो सकती है। इसमें भी औरतों की बड़ी बुरी गत होती है। यहाँ तक कहा जाता है कि मौलवी लोग इस काम को करते हैं। खैर, ये एक अलग बहस का विषय है। तीसरी प्रथा है निकाह मुता।
शिया मुसलमानों में एक वर्ग में प्रचलित कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इसमें एक तय समय के लिए ही शादी होती है। इसके बाद महिला और उसके बच्चों का यापन उसके पति की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। अब आते हैं चौथी प्रथा पे, निकाह मिसयार। सुन्नी मुसलमानों के हिस्से में मान्य कॉन्ट्रैक्ट मैरिज काफ़ी हद तक निकाह मुता से मिलता जुलता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 14 और 15 हर नागरिक को समानता का अधिकार देते हैं, यानी कि धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जबकि अनुच्छेद 21 हर नागरिक को समान सम्मान जीने का हक देता है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक हवाला और बहुविवाह जैसे प्रावधान मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें संविधान से मिले मौलिक अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए उन्हें बराबरी और सम्मान दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट के सेक्शन 2 को असंवैधानिक करार दे, इसी सेक्शन में इन प्रावधानों का जिक्र है। अब मैं आती हूँ तलाक विद्युत को। हो सकता है आने वाले समय में आप सुने कि कोर्ट ने इस पे क्या फैसला दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक साथ 3 बार तलाक बोल करके शादी खत्म करने के चलन को असंवैधानिक करार दिया। तलाक विद्युत के नाम से पहचाने जाने वाली इस व्यवस्था को सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग मान्यता देता था। इसके तहत पति जब चाहे पत्नी को 3 बार तलाक कर उससे रिश्ता खत्म कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मद्देनज़र याचिकाकर्ताओं काफ़ी उम्मीदें हैं उन लोगों को। उन्हें लगता है कि महिलाओं से जो ये भेदभाव करने वाली दूसरी व्यवस्थाओं को भी कोर्ट गैरकानूनी करार देगा। तो दोस्तों, वाकई में अगर ये प्रथाएं खत्म होती हैं, लाइक बहुविवाह, जो पुरुष एक 4 शादियां कर सकते हैं, निकाह हलाला और निकाह मुतहा और निकाह मिसयार, इनसे अगर औरतों को मुक्ति मिलेगी तो यकीनन उनकी ज़िंदगी में खुशियां आएंगी, उनका सम्मान लौटेगा और उनको एक समान नागरिक की तरह जीने का हक मिलेगा। क्योंकि इनकी वजह से ये जो प्रथाएं हैं ये महिलाओं के साथ भेदभाव दर्शाती हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी की इजाज़त और हलाला जैसे प्रावधान क्या रद्द होंगे, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश करता है ये भी देखने की बात है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। जो मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ उनको आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी ये समझूं कि आप मेरे जो वीडियो है उन्हें पसंद करते हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।